भारत दौरे पर आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने पीएम मोदी को खास दोस्त कहा है। उन्होंने गुजरात में बुलडोजर की सवारी कर ली, जिसके कारण उनके ऊपर निशाना साधा गया। उन्हें मानवाधिकार के मसले पर पीएम मोदी से बात करने की नसीहत भी दी गई, लेकिन ब्रिटिश पीएम जॉनसन ने अब तक कोई ऐसी बात नहीं कही जिसके कारण मोदी विरोधी स्यूडो सेकुलर जमात को कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना की जा सके। जब मानवाधिकार के मुद्दे पर जॉनसन ने सीधे तौर पर भारत का समर्थन कर दिया तो उनसे हिंदू राष्ट्रवाद के ऊपर भी सवाल पूछे गए, लेकिन बोरिस जॉनसन ने इसके बारे में ऐसा जवाब दिया जिसके कारण मोदी विरोधियों को मिर्ची लग गई है। जब उनसे हिंदू राष्ट्रवाद के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, हम मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के सवालों पर बेशक बातचीत करते हैं। हमारी दोस्ती का फायदा यह है कि हम ये बातें कर सकते हैं। हम इस मुद्दे पर बात एक दोस्ताना और निजी तरीके से करते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा कि यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत में सभी समुदायों के लिए संवैधानिक सुरक्षा मौजूद है। भारत दुनिया भर के कई देशों में चलने वाले निरंकुश शासन से बहुत अलग है। भारत एक महान लोकतंत्र है। लगभग 135 करोड़ लोग इस लोकतंत्र में रहते हैं और हमें इसका जश्न मनाना चाहिए। ब्रिटिश पीएम से ऐसे सवाल की तो कतई उम्मीद मोदी विरोधी गैंग को नहीं थी। उन्हें तो ऐसे जवाब की उम्मीद थी जिसके आधार पर भारत सरकार की आलोचना की जाए, ऐसा बताया जाए कि ब्रिटेन के पीएम ने हिंदू राष्ट्र पर भारत की आलोचना की, भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन का मुद्दा उठाया, जैसा कि इन लोगों को अमेरिका की ओर से मिल जाता है। अमेरिका हर मौके पर भारत में मानवाधिकार के उल्लंघन का मुद्दा उठा देता है। हाल में जब विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2+2 वार्ता के लिए अमेरिका गए थे तो वहां भी मानवाधिकार की बात उठा दी गई थी, जिसका विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। लेकिन ब्रिटिश पीएम ने तो इन लोगों के सवालों का उल्टा जवाब दे दिया। उन्होंने भारत को निरंकुश शासन से अलग देश बता दिया, इसे एक महान लोकतंत्र भी बता दिया, जिसका मतलब है कि इन लोगों का एजेंडा ही फेल हो गया, क्योंकि यहाँ तो मोदी को निरंकुश साबित करने की होड़ लगी हुई है। कांग्रेस पीएम मोदी को तानाशाह साबित करने की कोशिश में रहती है। राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी को तानाशाह कहते हैं और उन्हीं के रास्ते पर कुछ मीडिया और सोशल मीडिया पर भी पीएम मोदी को तानाशाह बताने का अभियान चलाया जाता है। लेकिन ब्रिटिश पीएम ने इन लोगों को ऐसा जवाब दिया जिससे ऐसा कोई मसाला ही नहीं मिल पाया जिसके आधार पर भारत की आलोचना की जा सके। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कॉमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।